जय हिंद। बहुत सारे बच्चे जैसे अग्निपथ योजना के सभी बच्चों को जैसे पता चला कि अब आगे की जितनी भी वैकेंसी हैं आर्मी की इसी के दौरान होनी है, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आने लगे कि सर आर्मी की भर्ती तो भी इसी के दौरान होनी है अग्निपथ योजना के तहत यानी टीओडी के अंदर, लेकिन इसकी भर्ती की पूरी प्रोसेस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास में आ चुका है 10th पास 12th पास, साथ ही 27.5 से लेकर 23 साल, इस साल के लिए 23 साल, अगले साल से 21 साल हो जाएगी। यदि जो बच्चे 21 साल से प्लस उनके पास में केवल 2 मौके रहेंगे केवल इस साल में, उसके बाद में अगले साल से इसकी एज 21 साल कर दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन आ गया, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या रहेगी, तो उस प्रोसेस का कुछ थोड़ा बहुत अंश अब आ गया है बाहर, उसका मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी अब कंडक्ट होगी उसमें जो रैली भर्ती होगी, इसके फॉर्म ऑनलाइन आएंगे, आपको ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करना, उसके बाद में पहले रैली भर्ती होगी, यानी पहले फिजिकल टेस्ट होगा, जो बच्चे फिजिकल मेडिकल क्लियर करने के बाद फिर एक साथ पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। पहले लगभग अभी पहला जो अटेम्प्ट इसमें 83 रैली भर्तियां होगी पूरे देश में, इसके सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई कराए जाएंगे, फिर ये रैली भर्तियां कंडक्ट की जाएगी हर एक राज्य में अलग अलग डेट को, लगभग 3 महीने तक चलेगी, 15 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक इसकी रैली भर्तियां चलेगी, और दिसंबर के माह में इसका पेपर होगा। अब आगे से इसी प्रकार पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, पहले रैली भर्ती होगी, तो सबसे पहले आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, और फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपको बता दूं फिजिकल क्राइटेरिया में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है, जो आर्मी का फिजिकल क्राइटेरिया रहा है वह सेम फिजिकल क्राइटेरिया अग्निपथ में रखा गया है, इसीलिए सेना प्रमुखों ने कहा कि हम किसी भी काबिलियत के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, स्पेशली आर्मी में जब जवान भर्ती हो रहे तब भी नहीं कर रहे हैं और आगे भी नहीं करेंगे, इसलिए फिजिकल क्राइटेरिया फिजिकल मापदंड सेम रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जितने भी बच्चे इन भर्ती में भाग लेने वाले हैं वो रनिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दे, क्योंकि आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, 15 अगस्त से इसकी भर्ती होगी। एयरफोर्स की जो भर्ती है वो उससे पहले होने वाली है, यानी जून में ही शुरू होने वाली है, उसके बाद में फिर नेवी और फिर आर्मी की 15 अगस्त से रैली भर्तियां कंडक्ट हो जाएगी, इसके बारे में ऑनलाइन पूरी की पूरी अपडेट आ जाएगी। हाँ, पेपर भी होगा, बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि पेपर होगा या नहीं होगा, पेपर भी होगा, 100% पेपर होगा। जय हिंद, जय भारत लाडलू।